मिक्सचर आपने किया है, उसके बाद आपको इसको लेवल में करने के बाद में आपको कैसे करना है वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आपको खर्च के बारे में भी आगे बताऊंगा कि अगर आप एक 10 बाई 10 के रूम में टाइल्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आपका होगा, उसी हिसाब से आप अपने रूम का जो प्रॉपर साइज होगा उस साइज के हिसाब से आप अपना रूम का जो है खर्च देख सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप पूरी लाइन का जो लेवल है वो कर लेते हैं तो लेवल करने के बाद में हर एक टाइल को जो आपने लेवल में की हुई थी उसको एक फर्स्ट वाली टाइल को जो है वो उठाना है, और जो आपको पानी में सीमेंट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट्राटेक का जो सीमेंट है वो यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा सीमेंट होता है। तो अच्छी कंपनी का आप जो सीमेंट है वो यूज़ करें टाइल्स को इंस्टॉल करने में बेसिकली। और जब आप टाइल्स को लगाएं तो उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घोल आपने बनाया हुआ है सीमेंट को पानी में मिला करके जो घोल बनाया हुआ है, थोड़ा पतला घोल आपको बना लेना है और इस तरीके से आपको ये घोल जो है वो डाल लेना है पूरी टाइल्स के साइज़ में, जितना टाइल्स का साइज़ है उतने पूरे एरिया में इस घोल को डाल लेना है। और उसके बाद में जो हमारी 2x2 की टाइल है वो इंस्टॉल की जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल भी कोई भी स्टेप मिस मत करना, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और ये जो टाइल्स लगाई जाएंगी दोस्तों, ये ग्रुप वाली टाइलें हैं, यानी जो हमारी 3 mm या 4 mm का जो ग्रुप हमारा दिया जाता है, जो स्पेस दिया जाता है, तो वैसी ये लगेंगी। अभी आपको जो टाइल्स लगी दिख रही हैं वो लेवल करने के लिए बिल्कुल टाइल्स टू टाइल मिला करके लगाई गई हैं, लेकिन अभी इसमें स्पेस कैसे दिया जाएगा वो आगे आप देखेंगे। मेन चीज़ है जो टाइल्स है हमारी, जब हम उनमें स्पेस देंगे तो वो किस तरीके से स्पेस दिया जाएगा। ये जो हैमर आप देख रहे हैं ये रबर का हैमर है, जिससे आप टाइल्स में मतलब टाइल्स को सही तरीके से बैठाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो टाइल्स का पर कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता है। रबड़ का ये हमारा हैमर है। उसके बाद में जो हमारा हमारे पास लेवल है उसको बिल्कुल देखते रहेंगे। अब ये हमारे पास स्पेसर है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 3 mm का हमारे पास स्पेसर है, और ये आता है आपका 100-150 रुपए की आपकी एक पूरी थैली आती है, और इसमें लगभग 100 पीसेज आपके 100 या 150 पीसेज जो होते हैं, ये देख सकते हैं आप 3 mm का ये स्पेसर है। अब इसको कैसे यहाँ पर रखा जाएगा, जब आप देखिए, क्योंकि हमारी एक टाइल इंस्टॉल हो चुकी है, होने के बाद में अब जब दूसरी टाइल हम इंस्टॉल करेंगे, दूसरी टाइल भी हमारी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, मैं वीडियो कट करके आपको दिखा रहा हूँ। अब तीसरी टाइल जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी दूसरी टाइल है उसके बीच में स्पेस कैसे दिया जाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको जो घोल है आपका घोल को जो है वो डाल लेना है, जैसे कि आपने जो घोल बनाया हुआ है। उसके बाद में जब आप टाइल लगाएंगे तो टाइल को पहले बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, क्योंकि आपने पहले मतलब लेवल में करते हुए आपका जो सीमेंट है वो लग जाता है, तो पूरा टाइल को साफ़ करने के बाद में, और जो ये आप स्पेसर देख रहे हैं उनको बिल्कुल खड़ा साइज में, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कैसे लगाया जा रहा है, तो जो प्लस का हमारा सिग्नेचर है उसकी एक जो हमारी स्पेस की जगह है 3 mm की, तो उसको सीधे करके जो है वो लगा देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, बराबर दोनों तरफ ऐसे ही आप लगाएंगे, और ये टाइल्स आपकी इसी तरीके से आगे भी लगती जाएंगी, जैसे कि आप वीडियो में यहाँ पर देख रहे हैं। मैं पूरा वीडियो में आपको